एक में कौन ऐसा आदमी है जो पार्टी का मैनेजर बनता है, 300 रुपया बचता है तो रख लेता है पैकेट में? इस सवाल में दम है कि नहीं इसे बताओ, है ना? लेकिन बात है कि अगर होगा भी कोई छुपा रुस्ताम तो उचित नहीं है। देखिए आप स्टूडेंट हैं, अगर 20-20 रुपया भी अगर आपका चंदा लगा है यहाँ पार्टी के लिए या 50 रुपये जो भी लगे, तो सबका पैसा का बराबर वैल्यू है। तो आपको ये ईमानदारी दिखाइए कि ठीक है आप गए गाड़ी से तो 50 रुपये का पेट्रोल भरा लीजिए, लेकिन 300 आपको बचाने की क्या जरूरत है? आप 300 बचता है तो ये ईमानदारी दिखाइए। हाँ, आप ईमानदारी नहीं दिखाइएगा तो ये जो सिस्टम है ना इतना गंदा हो जाएगा कचरा कि आदमी फिर ईमानदार बचवे नहीं करेगा। आप बताओ, आप इस एज में है, अभी तो 300 रुपये तू बचाना चाह रहा है तो तुमको नेता बना के तो 3 करोड़ ना हड़प जाएगा जी। तो 3 करोड़ हड़प जाइएगा तो कहने का मतलब है कि ये सारा जो सिस्टम है, हम लोग जो गलत करते हैं या आदमी कोई भी गलत कर रहा तो वो इसी लेवल से सीखता है, 10th लेवल से। और धीरे धीरे जैसे जैसे पोस्ट पाता तो हड़पना ज्यादा करता है। तो आजकल हम लोग सारा सिस्टम जो गंदा देख रहे हैं ना, आधार यहीं से चालू होता है। तो आप देखिए, हम कुछ बच्चों के यहाँ लेते हैं, क्या राय उनकी है, क्या इनको यहाँ पढ़ते हुए क्या क्या अनुभव हुआ, तो इस तरह से आप देखिए। हम पहले आमंत्रित करते हैं, ये बैजू कुमार हैं, प्लम्बर ट्रेड से हैं, ये अपना अभिव्यक्ति करेंगे और ये बताएंगे। इनका ये आवाज़ सुनिए और देखिए क्या इनका कैसा अनुभव हुआ। मैं बैजू कुमार, प्लम्बर ट्रेड से का छात्र हूँ और हमारे कॉलेज में बहुत सारी सुविधा मिलती है और सर हमको बहुत सिखाते रहते हैं और किसी को अच्छा से बोलने चलने और बैठने उठने के लिए सिखाते हैं और हमारे अभिषेक सर भी ड्राइंग की क्लास लेते हैं तो अच्छा से बताते रहते हैं। चलिए ठीक है, और ताली से। हाँ, तो अब ये हो गया। इनका कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ अब तक पढ़े इनका बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बाद हम आगे आमंत्रित करते हैं, ये आपका नाम क्या हुआ बाबू? क्या नाम है? प्रिंस कुमार। आप यहाँ क्लास किए हैं? किए हैं। ये बताइए कि यहाँ वर्कशॉप कैलकुलेशन का कौन सर है? वर्कशॉप कैलकुलेशन अभिषेक सर पढ़ाते हैं। ये बताओ कि तुमको ये बताइए कि आप इतना दिन से पढ़ रहा है, पहले सवाल सुनो तो बार सब कैलकुलेशन कौन पढ़ाते हैं? चलियो, ता तुम्हारा तो फोटो आ गया, खुश होगा है? ना ना पूछेंगे, नाम तो बता दिया, नाम क्या बताया, घर एड्रेस? चलिए अब ये बताइए कि आप यहाँ 1 वर्ष टाइम जो है अपना दिए, कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा हुआ, यहाँ पर सर का, रविशंकर सर का यहाँ पर बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। अच्छा, और जब भी आए यहाँ पर तो सर बोले कि कोई भी अगर प्रोग्राम होगा तो यहाँ पर बोलना, हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, आज जो खुशी का दिन है इसमें जो लाया वो क्या लाया, वो क्या लिखा हुआ वो है, क्या थी होम थिएटर? तब तुम नहीं लाए तो खुशी तुम कैसे मनाएगा? अच्छा ठीक है, होम थिएटर आया तब कुछ एंजॉय करेगा इसमें? तब पैसा देगा चंदा? पैसा दे दिया? तब तो सही है जी, अपना जगह पर सही है। कहीं कहीं देखते हैं कि अपना एक आध, मैंने कहीं कहीं देखते हैं कि 1-2 गो आदमी ठीक करके लाया, 4 गो आदमी वहाँ इंजॉय करने लग पहुँच जाता है, तो उसमें दिक्कत है ना? उसमें पैसा का देते तो इंजॉय करने में क्या दिक्कत है? हाँ, अगर नहीं देते तो उसमें क्या रहता है? तब तुम होम थिएटर कौन लाया? हाँ चलिए हो गया। एक और सवाल आपसे कर रहा है, यहाँ जितना भी है प्लम्बर का काम कोई भी हमारे इंस्टीट्यूशन में खराब होता है
तो वो सारे लड़के प्लम्बर का या रविशंकर सर हैं ये पूरा सहयोग करके ठीक कर देते हैं। अभी हम देखे थे कि 3 वर्ष से चापाकल यहाँ खराब था, चापाकल खराब था, वो चापाकल सुधर गया, चलने लगा। तो उसमें तुमने सहयोग किया? यस सर। चापाकल बना तो उस दिन था? चापाकल उस दिन बना था ना, नहीं था मगर। अच्छा, कभी ऐसा बताओ कि तूने पाइप उप जोड़ते हुए काम किया यहाँ? कभी नहीं। चलिए अच्छा है, मैंने आपने यहाँ कुछ सीखा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको घर में अगर छोटा मोटा कोई भी प्लम्बर वाला काम खराब होगा, पाइप खुल गया, आपका जो है नल खुल गया, या फिर आपका ज्वाइंट खराब हो गया, तो ये सारा काम आप कर लीजिएगा। देखिए कोई भी काम आप जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में हैं या पढ़ रहे हैं तो आपको उतना आना चाहिए। अब आप गाड़ी ले लिए टू व्हीलर, आपको पलक नहीं साफ करने आ रहा, गियर समझ में नहीं आ रहा, तो आपको बहुत नुकसान है। यानी जो भी जिस फील्ड में आप हैं, घर का काम अपना काम समझिए। अगर आप नहीं समझते हैं तो बहुत परेशानी होगा। तो आप इस ट्रेड से किए हैं तो आपको इतना जानकारी होना चाहिए। ये बताओ, 1 वर्ष यहाँ पढ़ा तो कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा। ये आदमी भारवल नहीं है, भारवल उन्हें मौखिक नहीं है, लिखित देता है, तो ये लिख देगा। देखिए किस कुछ आदमी को बोलने में दिक्कत होता है, सब जानेगा लेकिन वो सही से बोल नहीं सकता, तो वो भी हम क्वालिटी समझते हैं। कोई कोई लड़का नहीं भी बोल पाता है लेकिन जानता है सब, इसलिए ना कि बोलने में थोड़ा बहुत होता है दिक्कत। आदमी बोल रहा है, इतना सारा लड़का है तो थोड़ा धड़कन स्पीड हो गया तो नहीं बोल पाता है, तो पढ़ने में अच्छा है। आप ये बताइए क्या आप आज कितना बजे आए थे यहाँ? 10 बजे। ठीक है, बैठिए, हम भविष्य उज्ज्वल आपकी कामना करते हैं और रविशंकर से भी आपको भविष्य के उज्ज्वल की कामना करेंगे। हम उम्मीद करते हैं तो ऊंचा पोस्ट पर जाओ, लेकिन प्लम्बर वाला काम करेगा तो अच्छा से करेगा, हड़ापेगा ना तो समझो कि गड़प जाएगा तू। अरे एजुकेशन हाँ मिल रहा है, आप जिस क्षेत्र में जाए काम सही कीजिए। समस्या इसलिए कि अभी जितना भी आप देखिएगा ब्लॉक में या गांव में जितना भी नल वाला नल जल योजना है उसमें जानता है 80% हड़प गया है, कहीं कहीं तो बनाई भी नहीं किया है, अपन गाड़ी ले लिया घूम रहा है। तो ये सब काम नहीं होना चाहिए। आप पढ़े लिखे हो, जहाँ भी हो अपना जिम्मेदारी से काम करो, ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कीजिएगा तो रोज सवार रहेगा। बहुत सारे आप कर्मचारी को देखोगे, बहुत सारे कर्मचारी को देखोगे, आप जाइएगा ब्लॉक में तो 10 बार दौड़ेगा, एक काम नहीं करेगा, सरकार पैसा देती है ना जी, उसमें से बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो आपको एक ही बार में शॉर्ट कर देंगे प्रॉब्लम सोल्यूशन। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, कहीं भी जॉब कीजिएगा तो अपना जिम्मेदारी निभाइएगा, ये नहीं सरकार पैसा दे रहा है और सूद का पूरा ले रहा है, तब भविष्य बर्बाद है। अभी हो गया, अब अगला हम फीडबैक लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? है अनुज कुमार। खड़ा होइए अनुज कुमार। ट्रेड सेशन आपका सबसे फेवरेट सर कौन है? फेवरेट रविशंकर सर। उसके बाद अभिषेक सर। चलिए बताइए, आप यहाँ प्लम्बर से सीखे तो आप ऐसा कीजिए, पढ़े होंगे ऐसा बताइए, पाइप का आपको 2 ज्वाइंट का नाम बताइए। ठीक है, चलिए है मेरे, हम सोचे कि पहला ही बोल मैंने तो क्लीन बोल्ड हो जाएगा, है दिमाग इसमें। चलिए आप बताइए, आप जो यहाँ पढ़े तो इतना दिन में कभी ऐसा हुआ है कि आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं अपने से या बना रहे रिपेयर कर रहे हैं पाइप फिटिंग का, तो कभी प्रॉब्लम हुआ है तो सर की जरूरत पड़ा है? कब? कल लगा रहे थे तो उसमें सर का सहयोग पड़ा था कि उसमें क्या क्या मटेरियल। तो कल चालू हो गया? हाँ। चलिए बहुत काबिले तारीफ है, जो चापाकल 3-4 बरस से सही कवाड़ा था, अगर रविशंकर सर इस स्टूडेंट आप लोग नहीं ध्यान देते तो सड़ ही जाता, यूज नहीं होगा तो सड़ जाएगा, लेकिन अब चालू हो गया तो अच्छा है, उसका लाइफ भी बढ़ गया और चलेगा भी। चलिए ठीक है, अब ये बताइए अगर यहाँ इतना दिन पढ़े, कोई सर हो सकता है तुमको गुस्सा किए होंगे पढ़ने के लिए, अवर में बहुत लोग गुस्सा करते हैं सर लोग पढ़ने के लिए, तो ये बताओ कि सबसे ज़्यादा यहाँ गुस्सा करने वाला कौन सर है? कोई नहीं। ऐसा नहीं हुआ, इसमें तो गलती नहीं करता होगा, यही बात है ना? यस। चलिए अब ये बता कि तुम्हारा जो इतना दिन पढ़ा तो पढ़ाई करते आवर में कभी ऐसा हुआ कि कोई सर बोल दिए होंगे तो पूरा गुस्सा आ गया होगा, पूरा एकदम दिमाग तुम्हारा एकदम उठपटांग ऊपर चढ़ गया होगा? कब? जब हम कल लगा रहे थे ना तो वहाँ एक सर बिल्डर वाला मतलब इलेक्ट्रीशियन वाला सर थे। नाम नहीं लेना कोई सर के,
सिर्फ ट्रेड बोल सकता है, नाम उचित नहीं है बाबू। ट्रेड के सर थे वो आके बोले कि यहाँ पे कल सक्सेस नहीं होगा, तो सक्सेस हो गया ना। हम लोग बोले कि यहाँ पे नहीं होगा तो और किसी जगह पे होगा, लेकिन हम लोग कोशिश जारी रखेंगे, कोशिश नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरा जगह हो गया सक्सेस। चलिए ताली बजाओ, काम चलिए। यानी हार नहीं मानिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आदमी आप कोई भी काम अच्छे करते हैं तो चार आदमी घींचने वाला मिलेगा, घींचने वाला समझते हैं, मैंने आपको पीछे पैर खींचेगा, आप वहां से भाग गए तो समझिए कि खत्म कहानी है। आप प्रयास करते रहे तो मिल जाएगा। चलिए अच्छी काम है, आपका सराहनीय काम है, बैठिए। थैंक यू। अब इसके बाद कौन है और कौन नहीं है? तुम खड़ो, तुम्हारा नाम क्या? राहुल कुमार ट्रेड प्लम्बर। स्टेशन? रोल नंबर? ए 16 में है ना। ऐसा बताइए कि आपका प्रैक्टिकल कौन करवाते हैं? रविशंकर सर करवाते हैं। तो ये बताओ कि प्रैक्टिकल में अब तक तुम जो बनाया है, तो कभी ऐसा हुआ है कि जब आप कोई भी पाइप फिटिंग कर रहे हैं, तो पाइप फिटिंग कर रहे हैं और मान ली कि पाइप बड़ा डायमेंशन का आ गया और छोटा डायमेंशन है, तो उसको हम यूज कैसे करेंगे सर? तो बड़ा डायमेंशन रिड्यूसर लगा कर यूज करेंगे। हो, और ये बताओ कि जो हम लोग जो लगाते हैं एल्बो वगैरह सब, वो सब तो जॉइंट में होता है, तो आप ऐसा करो दो जॉइंट के नाम बताओ, फेलेंज वाला छोड़ा करके। नहीं पता तो जॉइंट नहीं किया है? टी जॉइंट, सॉकेट जॉइंट। हाँ, तो टी और सॉकेट ठीक हो गया। चलो अच्छा है। अब ये बताओ कि तुम इतने दिन सीखा तो घर में थोड़ा बहुत होगा, अगर कुछ भी अपना मान लेके प्लम्बर वाला काम खराब तो संभाल लेगा? यस सर, एक बार हुआ था तो हम बना लिए थे। अच्छा ये बताओ कि अगर कोई नट वगैरह टूट जाए और पूरा दम पानी बाहर से फेंकता रहे फोर्स के मुताबिक, तो उसको रिपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहला काम तो सर उसको पहले पानी बंद करना होगा। पानी कहाँ से बंद करेगा? अगर मोटर चालू होगा तो मोटर से, या तो फिर ऊपर नल के अंदर जो वाल्व होता है वाल्व से। हाँ अभी सही बोला। चलो ठीक है, थैंक यू, बैठो। और कोई है? कोई नहीं जी, सब खाली फोटो खींचाने के लिए है। चलो तुम खड़ा हो, नाम क्या हुआ आपका? करण कुमार। ट्रेड? सेशन? चलिए आप बताइए, हाँ एक वर्ष पढ़े हैं तो कभी ऐसा हुआ कि कोई सर इतना बोल दिए कि आंसू आ गया? नहीं सर, मेरे साथ ऐसा कभी तो कभी तो ऐसा ना हो कि कोई सर इतना बोले कि दम पूरा कबड़ गया, कबड़ में समझता टेंशन वाना? नहीं सर, ऐसा कुछ कभी तो नहीं। कभी नहीं हुआ? नहीं। तो पढ़ाई करता है? हाँ। बताओ प्लम्बर का डिफिनेशन बताओ। तो प्लम्बर का साधारण अर्थ होता है नल सा, जिसके द्वारा इसके अंतर्गत कई प्रकार के गंदगी, पानी, सैनिटरी फिटिंग और बड़े बड़े शहर और नगरों में पानी का ले जाना, आना जाना पानी के द्वारा। अच्छा ये बताओ, इतना सारा तुम्हारा दोस्त है, सबसे खराब दोस्त कौन है? तो मतलब इसमें कोई खराब दोस्त है तुम्हारा? नाम नहीं बताओ ना, वो खुद एहसास कर लेगा। वो दो ही एहसास दो ही चीज कर सकता, चाहे तो तुम करेगा ना तो अगला आदमी करेगा, तीसरा आदमी को पता नहीं चलता। हम लोग तो खाली ऊपर से देखते हैं। है चलो ए बाबू, जो भी इसमें है थोड़ा आगे ध्यान दो कि किसी के ज्यादा जो है दरार डालने में काम मत करो, बात ऐसा नहीं करो। तुम लोग एक वर्ष के रहता है तो कभी सोच में मत करो कि हम लोग यहाँ जंग के मैदान में है। एक वर्ष कैसे गुजर जाता है किसी को पता नहीं चलता है। इसके बाद आप अगर फील्ड में जाएगा अलग अलग फील्ड में, तो दूसरा फील्ड में जाइएगा तो कभी मुलाकात नहीं होगा। हम लोग इतना पढ़े सब साथ पढ़ते आ रहा, 9th-10th के लड़के तो पता नहीं चलता कि कौन कहाँ से। तो यहाँ सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, आप आइए एक बार अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, मिलजुल के रहिए, कोई किसी को दिल में किदोरी मत लाइए, तब ठीक है। यहाँ गुतियारू ना करना है कि दो कट्ठा हमको जमीन हड़प गया तो मार कर ले, तो ये सब दिमाग में नहीं रखो। दूसरा बात, कहीं भी आप पढ़िए तो आप अपने ऊपर घमंड मत रखिए। घमंड मैंने सुनता है कहा तो हमारे तो एकदम यहाँ घर बगल में है किंदुई में, कितना लेकिन बोलेगा मार के फाड़ देंगे। ये बताइए कि आपका किंदुई में घर है या आपको बाईपास तरफ घर, आप ये लफ्ज बोल रहे हैं तो आप ही तो जाइएगा विशाखापट्टनम में, तो विशाखापट्टनम वाला आदमी क्या करेगा? तो ये आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट हटा दीजिए, ये पढ़ाई का इंस्टीट्यूशन है, यहाँ ड्रेस चलाया जाता है, सबको एक जैसा रखा जाता है, यहाँ गरीबी अमीर से मतलब नहीं है।
ऐसा थोड़ी है कि कोई ड्रेस हम लोग चला दिए, कोई अमीर आदमी है तो सोना का ड्रेस पहन कहा जाएगा, एलो नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ सिर्फ एक रूपता दिखाना है आपको, ये सब से कोई मतलब नहीं है कि आपका नजदीक घर है, दूर घर है, किस कम्युनिटी से आते हैं, किस जात से हैं, आपका पढ़ाई लिखाई कितना आगे या पीछे से मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ सर्व का एक काम है। अब कोई पीछे कह ले है वो कहेगा हम पाइप उठावे, ये गलत सोच है। आप इस ट्रेड में आए हैं तो आप उसी तरह से काम कीजिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए आप कोई भी स्टूडेंट आगे आप जाइए तो दिमाग में मत रखिए कि हमको किसी से जो है दुश्मनी करके रखना है। यहाँ कोई किसी का गोतियारो नहीं है, यहाँ कोई किसी का चचेरा मचेरा फचेरा नहीं है, सिर्फ यहाँ सब आप दूर दूर से हैं और सबका हालत एक है। आप भी दूर से हो, हम भी दूर से, सब दूर से हैं। तो फिर तो ये सब कॉन्सेप्ट बहुत घटिया है। सर मेरा है बोलिए, घमंड और विश्वास में क्या फर्क है? अरे घमंड का मतलब बैठो, घमंड में क्या होता है बाबू कि जैसे अगर हमको पढ़ लिए, अगर हम मान लें कि पीजी कर लिए, हमें घमंड आ गया कि हमको बहुत बुझाता है, हमारा से ज्यादा किसी को नॉलेज नहीं है, तो घमंड हो गया। अब विश्वास का मतलब है कि हम तुम पर विश्वास कर रहे हैं। अगर तुम पर तू बोला कि हाँ सर अभी आए हैं तो हम मान लिए, तुम बोला सर चल गए तो मान लिए, तू बोला कि आज छुट्टी है तो मान लिए, तो हम तुम पर विश्वास किए, यानी जो कहा तुम सत कह रहे हो, भले तो उसके आड़ में जितना झूठ बोलना है बोल दो। तो विश्वास का मतलब है कि हम जो बात कहें उसको अच्छा से मान लिए। तो इसमें कभी कभी नुकसान होता, कभी तुम लोग कमेंट करते हो कहता छुट्टी है, अब पता चलता इंस्टीट्यूट में छुट्टी रही है, तो जो जो लड़का उसके साथ विश्वास किया वो नहीं आएगा, जो भी लड़का विश्वास करेगा वो नहीं आएगा। अब घमंड यहाँ आ जाता है, दो चीज दिमाग में रखना, आपा ना कह लो दूसर के ध्यान सबसे ज्यादा नजर आता है, अकल मैंने समझता है। अगर हम टेंथ हैं पास, हमको पता है कि एक से कम नॉलेज है, तो हमको लगेगा ना टेंथ हम पीजी वाला के कौन काट लेंगे था, तो घमंड है ना जी। हमको पता है कि हम टेंथ लेवल के हैं और हम पीजी वाला के कह रहे ज्यादा है, तो घमंड आ गया। हमारे बीच में घर है पूरा लग रहा है, हमारे चचेरा मचेरा सब भाई है, तो हमको लगेगा हम ही ताकतवर हैं, तो घमंड की बात है। तो घमंड का मतलब है कि एकदम ओवर कॉन्फिडेंट, जेकर कोई आगे पीछे जड़ नहीं है तो उसमें भारी नुकसान है। तुम लोग गाड़ी भी चलाता होगा, 90-100 के स्पीड में चलाता है, वो घमंड से चलाता है तो हम चला लेंगे, तो जाता भी तो कम से है। लेकिन जो आदमी समझदार है विश्वास है 90-100-120 नहीं चलाएगा, अजाड़ा उस नया पुराना गाड़ी नहीं करो, ये हो गया। और कोई बोलना चाहता है? चलो कौन और कौन है तुम लोग? ठीक है तुम लोग सुमारी कर ले, सब नहीं बोलेगा आज। इधर हो गया, ए तुम करो, आप इस सबको बोले कह रहे तो नहीं बोल रहा, अब खाली इस सबको कुछ नहीं कह रहे, खाली कहें कि तुम लोग को गाड़ी में हम पेट्रोल भरा देंगे चलो रैली में, तो इतना हल्ला करेगा कि मत कहिए। चलो और कौन है? चलो खड़ा हो, क्या नाम है बाबू? है लालू कुमार, ट्रेड? चलिए अच्छा, सेशन आपका कौन सा है? 21 बार। आपके लिए सवाल है कि आप यहाँ एक वर्ष पढ़े, ठीक, ऐसा बताओ कि कोई सर से कभी यहाँ झगड़ा हुआ है कि हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा? नहीं। कोई सर से झगड़ा हुआ है कि हमको नाम नहीं चढ़ा है? नहीं। ये बताओ कि तुम लोग यहाँ इतना सब है, पार्टी उटी थोड़ा बहुत करता होगा, एक में कौन ऐसा आदमी है जो पार्टी का मैनेजर बनता है 300 रुपये बचता है तो रख लेता है पैकेट में? सवाल में दम है कि नहीं इसे बताओ, है ना, तुम बताओ। हाँ चुप। ऐसा कभी हुआ है कि यहाँ अगर कोई प्रोग्राम के लिए चंदा हो रहा, 1000 रुपये चंदा हो गया, 800 रुपये लगा, जो नेता बना वो अपन चंदो नहीं दिया और 200 रुपये पैकेट में रख लिया, अभी कैसा ऐसा हुआ यहाँ? नहीं हुआ फिर इसको जी। ए शांत रहो, इसका जवाब है नहीं हुआ, इसका मतलब आप लोग सही है, लेकिन बात है कि अगर होगा भी कोई छुपा रुस्ताम तो उचित नहीं है। देखिए आप स्टूडेंट हैं, अगर 20-20 रुपये भी अगर आपका चंदा लगा है यहाँ पार्टी के लिए या 50 रुपये जो भी लगे, तो सबका पैसा के बराबर वैल्यू है, तो आपको ये ईमानदारी दिखाइए कि ठीक है आप गए गाड़ी से तो 50 रुपये को पेट्रोल भरा लीजिए, लेकिन 300 आपको बचाने की क्या जरूरत है? आप 300 बचता है तो ये ईमानदारी दिखाइए। हाँ
आप ईमानदारी नहीं दिखाइएगा तो ये जो सिस्टम है ना इतना गंदा हो जाएगा कचरा कि आदमी फिर ईमानदार बचवे नहीं करेगा। आप बताओ आप इस एज में है, आप इस तो 300 रुपये तू बचाना चाह रहा है तो तुमको नेता बनाएंगे तो 3 करोड़ ना हड़प जाएगा जी। तो 3 करोड़ हड़प जाइएगा तो कहने का मतलब है कि ये सारा जो सिस्टम है हम लोग जो गलत करते हैं, या आदमी कोई भी गलत कर रहा तो वो इसी लेवल से सीखता है 10th लेवल से, और धीरे धीरे जैसे जैसे पोस्ट पाता तो हड़पना ज्यादा करता है। तो आजकल हम लोग सारा सिस्टम जो गंदा देख रहे हैं ना आधार यहीं से चालू होता है। अगर यहाँ से सुधार आप लोग कर लीजिएगा आगे कचरा साफ। अब आप लोग यही जंगल में रहिएगा मंगल में नहीं थे तो आगे पूरा एकदम सिस्टम खराब रहेगा पूरा भ्रष्ट। तभी जहाँ भी हम लोग को भ्रष्ट का सामना करना पड़ रहा ये फैक्ट बात है। नाम नहीं, नहीं वो नाम नहीं बताएगा तो छोड़ हटाओ, चलो बैठो। और कोई है? चलिए और वो तो बोली दिया जी है वो खाली बोले आती है खाली की आती पहले। चलो बोलो। हाँ स्टूडेंट हूँ, 19 बाईस स्थान रहो। अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा ये बताओ कि इतना जो सारा लड़का तुम्हारा दोस्त बैठल है तुमको कौन कौन लड़का चिड़काता है? ओ इसका मतलब कि आपने मैंने तू ही चिड़काता वो भी चिड़काता है। तब तो ठीक है, अगर दोनों तने से बराबर पड़ रहा है तो ठीक है, लेकिन काम बेची होता तो ओकरा में फिर कुश्ती और मैंने दुरुस्ती दोनों हो जाता है। अब जैसे कोई मजाक आदमी कर रहा है उसको नहीं पसंद है तू जो जाती कर रहा तो वहाँ पर जी तो मन मोटाव हो ही जाएगा। अब दोनों है तो ठीक है, लेकिन ये जितना भी आप लोग गप सप करते हैं या मजाक किसी को करते हैं लिमिट होना चाहिए। लिमिट कर सिर्फ आप तक रहे, ये नहीं कि मजाक कर रहे तो कर बाप तक नाम ले लिए, होता है कभी कभी। तो आप ये कंट्रोल पर ध्यान दीजिए कि अगर हम किसी से गप कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं तो सिर्फ हम लोग बराबर में रहे। ऐसा नहीं है कि उसको हम नीचा दिखाने के लिए, देखिए यहाँ कोई नीचा ऊपर दिखाना नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दिमाग में ना कि उससे हम हार जाएंगे और हारने के चक्कर में और जीत के चक्कर में उसको गार्जियन तक बोल देता है। और किसी को आप पेरेंट्स के बारे में बोलिएगा तो आदमी तो गलत है, वो आदमी आपको तो छोड़ेगा नहीं, या आपको कोई बोलेगा तो आपको दुख होगा। तो ये चीज़ एक लेवल में रहना चाहिए। ई लेवल जहिना से बिगड़ गया बाबू समझो कुछ दिन से तुम्हारा भविष्य खत्म है, खत्म नहीं समझता है। हाँ तो ये लेवल अगर बिगड़ा तो समझिए कि सारा तुमको जो गड़बड़ी है जितना व्यवहार में जितना उस सब आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जे अगर इसमें लड़का होगा सिर्फ उसको जीतना चाहता होगा तो समझो कि बर्बादी कर देगा। तो ये समस्या है तो इसलिए इससे नहीं है, तो ये तो बताया नहीं। और कुछ बोलना तुमको? चलिए से चलिए। अच्छा तो ये बताओ अच्छा ये बताओ पाइप जब फिटिंग करते हैं तो उसमें लिक्विड यूज होता है, होता ना है, उसका क्या नाम है टेक्निकल नाम? दुकानदार तो कुछ बोल देता है लेकिन तुम लोग पढ़ाते तो पता होगा ना। पाइप हम लोग सेटिंग करते हैं उसमें लिक्विड लगाते हैं ना जी, पानी उन्हें करी सब नहीं हो, क्या नाम है उसको? है?